उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। वो नफरत फैलाते हैं राजनीति की आड़ में और अपने धर्म के आधार पे, हम लोग प्यार और जो इंक्लूसिवनेस है, जो आइडिया है, ईथोस है हिंदू धर्म का, वो करते हैं। और आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है। वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। और इनके कई बयान को राहुल गांधी के जो पार्लियामेंट कई से एक्सपंज कर दिया। अब देखिए ना किस तरीके की सेंसरशिप है कि वहां पे जब बोल रहे थे बीच में कितना इंटरप्शन हो रहा था। यानी 9 मिनिस्टर्स खड़े होकर बीच में बोल रहे हैं, और देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री भी आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बीच में रोक रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है इतिहास में। तो दिखाता है कि ये लोग, उन्होंने अपने मन में विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी, फिर इनके लिए विपक्ष की समय है।